हेलो स्टूडेंट्स, SBN कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अधिगम वक्र व पठार पढ़े थे। नेक्स्ट हमारा अधिगम का जो पॉइंट है वो है अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण, लर्निंग ट्रांसफर। पहली इससे संबंधित कुछ बातें मैं पहले बता देता हूँ कि अधिगम स्थानांतरण कब होगा, कैसे होगा। देखो, किसी भी क्रिया को जब हम सीखते हैं तो उसको सीखने के बाद ही उसका हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब तक हम उसे अच्छी तरह सीख नहीं लेते तो उसका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। तो पहली चीज़ तो यही है कि अगर किसी भी क्रिया का दूसरी क्रिया में हम सहायता प्राप्त करते हैं या उपयोग में उसे लेते हैं, एक क्रिया का दूसरी क्रिया में उपयोग में लेना ही क्या कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण है। लेकिन अधिगम स्थानांतरण तब होगा जब एक क्रिया हमें अच्छे से याद होगी, अच्छे से हमें समझ में आती है। अगर समझ में नहीं आती और अच्छे से याद नहीं होती है तो उसका ट्रांसफर संभव नहीं है। तो अधिगम स्थानांतरण के लिए सबसे पहले जरूरी यह है कि सबसे पहले हमें अधिगम होना जरूरी है। विषय वस्तु का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो एक परिस्थिति में, अब मैं दोबारा बता रहा हूँ, अधिगम स्थानांतरण किसे कहते हैं। एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान, प्रशिक्षण व अनुभव का उपयोग दूसरी परिस्थिति में किया जाए, उपयोग किया जाए, क्या कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। फिर वो बाधा उत्पन्न करता है, सहायता करता है या न बाधा करता है, न सहायता करता है, वो आगे की है, उसके आधार पर प्रकार निर्धारित होते हैं। लेकिन सबसे पहले तो अधिगम स्थानांतरण एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, अनुभव व प्रशिक्षण का उपयोग दूसरी परिस्थितियों में किया जाए, दूसरी परिस्थितियों में क्या किया जाए, उपयोग किया जाए, क्या कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम स्थानांतरण तीन प्रकार का होता है। नंबर एक, सकारात्मक। नंबर दो, नकारात्मक। और नंबर तीन, शून्याधिगम स्थानांतरण। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण शून्य अधिगम स्थानांतरण। अब बच्चों, पहले तो हम तीनों को समझते हैं कि किसे क्या कहते हैं। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, अनुभव व प्रशिक्षण का उपयोग जब दूसरी परिस्थिति में सहायता प्रदान करता है। एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, अनुभव व प्रशिक्षण का उपयोग जब दूसरी परिस्थिति में सहायता प्रदान करता है, क्या कहते हैं, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे साइकिल चलाने वाला कार चलाने लग जाए, साइकिल चलाने वाला
पहली स्थिति तो ये होती है कि बाइक चलाने लग जाए, कार चलाने लग जाए, कार चलाने वाला ट्रक चलाने लग जाए, तो ये पूर्व वाली सीखी हुई क्रिया नेक्स्ट वाली सीखी हुई क्रिया में क्या प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है। या मैं कहूँ कि जोड़ बाकी गुणा भाग सीखने के बाद, जोड़ बाकी गुणा भाग सीखने के बाद उनका उपयोग व्यवहारिक जीवन में किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण तीन प्रकार का होता है। पहला क्षेत्रीय अधिगम स्थानांतरण, दूसरा ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण और तीसरा द्विपार्श्व अधिगम स्थानांतरण। पहला है क्षैतिजीय अधिगम स्थानांतरण, दूसरा है ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण और तीसरा है द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। ये तीन प्रकार हैं, वो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण के प्रकार माने जाते हैं। अगर सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण की ये तीनों प्रकार माने जाते हैं तो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण में एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सहायक होता है, उसी प्रकार इन तीनों में भी क्या होगा, कहीं ना कहीं सहायता प्रदान जरूर करेगा। लेकिन फिर भी इन तीनों में अंतर है। क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लर्निंग ट्रांसफर, क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लर्निंग ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिजीय समान स्तरीय, एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी समान स्तरीय परिस्थितियों में अगर सहायता प्रदान करता है तो वह क्या कहलाता है, क्षैतिजीय या हॉरिजॉन्टल लर्निंग ट्रांसफर। साइकिल चलाने का ज्ञान बाइक चलाने में किया जा, या जोड़ बाकी गुणा भाग सीखने के बाद उनका उपयोग व्यवहारिक जीवन में मार्केट से सामान खरीदने में किया जाए तो कौन सा कहलाता है, क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। एक बालिका द्वारा अपनी मम्मी के पास किचन का हर वस्तु बनाना सीखना या किचन में काम करना सीखने के बाद उसी क्रिया को ससुराल में जाने के बाद उपयोग में लेना क्या कहलाता है, क्षैतिजीय अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। दूसरा है ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। ऊर्ध्व मतलब हो गया वर्टिकल, वर्टिकल लर्निंग ट्रांसफर, वर्टिकल वर्टिकल लर्निंग ट्रांसफर का मतलब हो गया कि एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी उच्च स्तरीय परिस्थितियों में, इसमें तो दोनों ही समान स्तरीय परिस्थितियां होती हैं, किसमें, हॉरिजॉन्टल में, लेकिन वर्टिकल में एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी उससे उच्च स्तरीय परिस्थितियों में उपयोग में लिया जाए तो उसे कहते हैं ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। जैसे बाइक चलाने के बाद में क्या चलाया जाए, कार चलाई जाए या ट्रक चलाया जाए, गांव में खेलने वाला व्यक्ति देश के लिए खेलने लग जाए क्या कहलाता है, ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। या मैं कहूँ जोड़ बाकी गुणा भाग की क्रिया सीखने के बाद उनका उपयोग व्यावहारिक जीवन में, सॉरी उनका उपयोग व्यवहारिक जीवन में न करके गणित के बड़े बड़े प्रश्नों को हल करने में किया जाए क्या कहलाता है, ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी उच्च स्तरीय परिस्थितियों में उपयोग में लिया जाए क्या कहलाता है, ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग सीखने के बाद गणित के बड़े बड़े प्रश्नों को हल करने में किया जाए तो वह ऊर्ध्व है, और उसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग में लिया जाए तो वह क्या है, क्षैतिजीय अधिगम स्थानांतरण है। नेक्स्ट है द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण। द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण
बायलेटरल द्विपार्श्विक का मतलब हो गया बायलेटरल। बायलेटरल का मतलब शरीर के किसी एक अंग को प्रशिक्षण व अनुभव प्राप्त करने के बाद उसका उपयोग शरीर के दूसरे अंग में किया जाए। जैसे मैं लिख रहा हूँ इस हाथ से राम, अब यहाँ ये हाथ मेरा काम नहीं कर रहा तो मैं इसी आधार पर यहाँ भी लिख रहा हूँ राम। अब यहाँ मैंने जो लिखा ये यही देखा था कि इसमें इधर घुमा के इधर पेन लाया जाता है, तो मैं इधर घुमा के इधर पेन ला रहा हूँ, सीधी लाइन खींच रहा हूँ। मैंने कैसे कुछ कैसे लिखा था वो चीज़ जिस प्रकार इसमें ले जाया जाता है उसी अनुभव का प्रयोग मैंने इसमें किया है। तो ये ध्यान रखना इसमें भी समान स्तरीय था इसमें, लेकिन ये भी समान स्तरीय है, लेकिन द्विपार्श्विक जो अधिगम स्थानांतरण है वो शरीर के अंगों से संबंधित है। किससे संबंधित है? शरीर के अंगों से संबंधित है। तो द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण कहता है कि शरीर के किसी एक अंग को प्राप्त प्रशिक्षण का उपयोग शरीर के दूसरे अंग में किया जाए तो उसे कहते हैं द्विपार्श्विक अधिगम या बायलेटरल लर्निंग ट्रांसफ़र। जैसे बाएं हाथ से लिखने वाला व्यक्ति दाएं हाथ से लिखने लग जाए, या हाथ से लिखने बाएं हाथ से दाएं हाथ से किसी से भी लिखने वाला व्यक्ति किसी कारण परिस्थिति के बाद में वह पैरों से लिखना प्रारंभ कर दे, तो उस प्रकार का जो ट्रांसफ़र है लर्निंग ट्रांसफ़र अनुभव वो कौन सा कहलाता है? द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अब यहाँ ये तो हो गई सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, तीनों में ही जो ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ क्रिया का क्या हो रहा है? सहायता प्रदान करे या उपयोग में आ रहा है, तो जहाँ उपयोग में आ रहा है वहाँ सकारात्मक। और अगर इसके अलग अलग ऑप्शन के आधार पर पूछता है तो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण को भी सामान्यतः तीन और प्रकारों में विभाजित किया गया है। तीनों में ही पूर्व में प्राप्त अनुभव प्रशिक्षण दूसरी परिस्थितियों में क्या कर रहा है? सहायता प्रदान कर रहा है, लेकिन यहाँ समान स्तरीय परिस्थितियों में, यहाँ उच्च स्तरीय परिस्थितियों में, और यहाँ शरीर के अंगों में आपस में सहायता प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। क्या कहता है नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण? नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहता है कि एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान अनुभव व प्रशिक्षण का उपयोग दूसरी परिस्थिति में बाधा उत्पन्न करता है। दूसरी परिस्थिति में क्या उत्पन्न करता है? बाधा उत्पन्न करता है, तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान अनुभव व प्रशिक्षण का उपयोग दूसरी परिस्थितियों में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में टाइपिंग, कंप्यूटर पर हिंदी में टाइपिंग सीखने के बाद अंग्रेजी की टाइपिंग सीखी जाए तो वहाँ की बटन दबाने में बाधा उत्पन्न होती है, वो कौन सी है? नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण है। या अमेरिका में कार चलाना सीखने के बाद, दूसरा एग्जांपल, अमेरिका में कार चलाने सीखने के बाद इंडिया में इंडियन कार को चलाई जाए तो वो लर्निंग है वो कैसी होगी? नकारात्मक होगी। क्यों होगी? क्योंकि अमेरिका में इंडिया की तुलना में विपरीत दिशा में स्टीयरिंग होती है कार की, इसलिए वहाँ दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना, या का एक दूसरे के आसपास से कार गुजरती है तो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है दोनों कारों के मध्य, उसको मैनेज करने में बड़ी कठिनाई महसूस होती है। नेक्स्ट बात हम करते हैं शून्य अधिगम स्थानांतरण। शून्य अधिगम स्थानांतरण का मतलब हो गया किसी क्रिया का दूसरी क्रिया में ट्रांसफ़र होता ही नहीं है। यहाँ बाधा उत्पन्न हो रही है, यहाँ सहायता प्रदान किया जाता है, लेकिन यहाँ न तो बाधा आती है और न ही सहायता प्रदान होती है। उस प्रकार के ट्रांसफ़र को क्या कहते हैं? शून्य लर्निंग ट्रांसफ़र, यानी ट्रांसफ़र होता ही नहीं। जैसे एक क्रिकेट के बैट्समैन द्वारा बैटिंग का प्रशिक्षण लेने के बाद, या एक क्रिकेट के खिलाड़ी द्वारा बैटिंग का प्रशिक्षण लेने के बाद बॉलिंग का प्रशिक्षण लिया जाए तो क्या कहलाता है? शून्य अधिगम स्थानांतरण। यहाँ ध्यान देना बच्चों, यहाँ कई बार कुछ बच्चों के कन्फ्यूजन हो जाता है कि बैटिंग वाला अच्छी तरह से बॉल फेंक सकता है। नहीं, अगर ऐसा होता तो दुनिया का महान बॉलर
जो महान बैट्समैन है सचिन वही होते, और शोएब अख्तर दुनिया के महान बॉलरों में या ब्रेटली महान बॉलरों में से रहे हुए हैं तो महान बैट्समैन भी होते। इसीलिए कहा जाता है कि जो बॉलिंग और बैटिंग है उनका अनुभव अपने आप में अलग होता है, प्रशिक्षण अलग प्रकार का होता है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, शून्य दिगम स्थानांतरण कहा जाता है। तो यह है शून्य दिगम स्थानांतरण, इसमें न सहायता होती और न ही बाधा उत्पन्न होती है। तो लर्निंग ट्रांसफर में तीन प्रकार का ट्रांसफर माना गया है। पहला सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, एक जिसे हम दोबारा बता रहा हूँ, एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सहायता प्रदान करता है, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। इसे तीन भागों में बांटा गया, पहला क्षितिजीय अधिगम स्थानांतरण। क्षितिजीय अधिगम स्थानांतरण का मतलब हो गया एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान अनुभव प्रशिक्षण का उपयोग दूसरी समान स्तरीय परिस्थितियों में आता है, काम में लिया जाता है, क्या कहलाता है, क्षितिजीय अधिगम स्थानांतरण। जैसे जोड़ बाकी सीखने के बाद व्यवहारिक जीवन में उपयोग लिया जाए, और अगर उसी जोड़ बाकी को बड़े बड़े गणित के प्रश्नों को हल करने में लिया जाए तो क्या कहलाएगा, उर्दू अधिगम स्थानांतरण। ये आया हुआ है कि बालक का जोड़ बाकी गुणा सीखने के बाद व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना कौन सा स्थानांतरण कहलाता है, क्षितिज अधिगम। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो और ये हो तो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। एक सीटेट में आया था कि बालक का जोड़ बाकी गुणा भाग सीखने के बाद गणित के बड़े बड़े प्रश्नों को हल करने में उपयोग लिया जाए कौन सा है, ऑप्शन ये चारों थे, सकारात्मक भी था लेकिन वहाँ कौन सा माना जाएगा, उर्दू है। अगर उर्दू है नहीं होता तो किस में आता, सकारात्मक वो सही राइट माना जाता, लेकिन उर्दू है होने के कारण कौन सा राइट माना जाएगा, उर्दू है ही राइट माना जाएगा। तीसरा है द्विपार्श्विक, इसमें द्विपार्श्विक कहें या बायलेटरल कहें, शरीर के एक अंग को प्राप्त प्रशिक्षण ज्ञान व अनुभव का उपयोग शरीर के दूसरे पार्टों में किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, द्विपार्श्विक लर्निंग ट्रांसफर कहा जाता है। तीसरा है, यहाँ ये तो तीनों ही किसके हैं, सकारात्मक के पार्ट हैं। अब बात करते हैं नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण उसे कहते हैं जिसमें एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान अनुभव और प्रशिक्षण का उपयोग दूसरी परिस्थितियों में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहा जाता है, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे टाइप सीखने के बाद कंप्यूटर की या टाइपराइटर की द्वारा टाइप सीखी जाए, या हिंदी में टाइप सीखने के बाद अंग्रेजी में टाइप सीखी जाए, या अमेरिका में कार चलाने के बाद इंडिया में कार चलाई जाए, ये किसके पार्ट हैं, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण के पार्ट माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है शून्य अधिगम स्थानांतरण। शून्य अधिगम स्थानांतरण एक ऐसा ट्रांसफर माना जाता है जिसमें एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान अनुभव प्रशिक्षण का उपयोग दूसरी परिस्थिति में न तो सहायता प्रदान करता और न ही बाधा प्रदान करता है तो उसे क्या कहते हैं, शून्य अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। शून्य अधिगम स्थानांतरण का ये क्रिकेट वाला तो आया हुआ है कि क्रिकेट के बैट्समैन को बॉलिंग का प्रशिक्षण दिया जाए तो किस प्रकार का ट्रांसफर होगा, तो वो शून्य होगा क्योंकि दोनों का कॉमन कहीं टच नहीं हो रहा है। लेकिन अगर एक फुटबॉल के बॉलर को, एक फुटबॉल के खिलाड़ी को अगर किसकी दी जाए, दौड़ का प्रशिक्षण दिया जाए तो वो दौड़ जो फुटबॉल में होती थी, लंबी दौड़ करनी हो तो उसमें वो सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लर्निंग ट्रांसफर हो गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। आज के लिए इतना ही, खूब है, धन्यवाद।